नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। 4 बजे तक हुआ 52% मतदान। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान में शाम 4 बजे तक 52% मतदाताओं ने अपने मताधिकारियों का प्रयोग कर लिया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शाम 4 बजे तक बिहार में 46%, हिमाचल प्रदेश में 56%, मध्य प्रदेश में 59%, पंजाब में 48%, उत्तर प्रदेश में 46% और पश्चिम बंगाल में 63% मतदान हो चुका है। भटिंडा में पोलिंग बूथ के बाहर 2 गुटों में भिड़ंत, चली गोली। भटिंडा के तलवंडी शाबो में पोलिंग बूथ नंबर 122 के बाहर 2 समूहों में हुई झड़पों में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर आई है। इसका कहना है, बूथ के बाहर हिंसा के दौरान एक व्यक्ति ने गोलियां चलाई, हमने बयान दर्ज करने के साथ मामला दर्ज कर लिया है। कुछ देर बाद मतदान फिर से शुरू कर दिया गया है। यूपी, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में बवाल। 7वें अंतिम चरण के चुनाव के दौरान बंगाल से लगातार हिंसा की खबर सामने आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी बवाल और हंगामे की खबर है। इधर पंजाब में हुई हिंसा के बीच एक युवक की मौत हो गई है। लोकसभा सीट के अंतर्गत समराला गांव में कांग्रेसियों और पीडीए कार्यकर्ताओं में झड़प के दौरान 4 लोगों के घायल होने की खबर है। खडूर साहिब लोकसभा सीट के तरन तारण के गांव सरली में पोलिंग के दौरान झड़प में एक युवक की मौत हो गई। मृतक बंटी कुमार कांग्रेस समर्थक बताया गया है। झड़प के बाद मतदान रोका गया। पटना के पालीगंज के सरकुना गांव में 2 गुटों में झड़प के बाद मतदान केंद्र संख्या 101 और 102 पर मतदान रोक दिया गया है। स्थानीय खबरों के अनुसार तोड़ी गई ईवीएम को बदल दिया गया है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। चुनाव आयोग ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पटना के डीएम कुमार रवि की रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग जाएगी बीजेपी टीएमसी पर लगाया बड़ा आरोप। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बातचीत के दौरान कहा कि टीएमसी वोटरों को डरा रही है। हमें डर है कि पोलिंग खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी का नरसंहार वहां शुरू होगा। हमारी मांग है कि जब तक आदर्श आचार संहिता खत्म नहीं हो जाती, तब तक केंद्रीय बलों की बंगाल में तैनाती रहनी चाहिए। हम चुनाव आयोग से इस बारे में मांग करने जा रहे हैं। हिमाचल में 102 साल के श्याम सरन तो एमपी में दुल्हा दुल्हन पहुंचे मतदान करने। हिमाचल में 102 साल के श्याम सरन तो एमपी में दुल्हा दुल्हन पहुंचे मतदान करने। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में हो रहे मतदान के दौरान हिमाचल प्रदेश के कल्पा में 102 साल के श्याम सरन नेगी ने मतदान किया। श्याम सरन ने 1951 में हुए पहले आम चुनाव में भी मतदान किया था। वही हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक दुल्हा सज धज कर वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचा और अपने मताधिकारी का प्रयोग किया। 2 पीठासीन अधिकारियों की हृदयघात से मौत। गोरखपुर चुनाव ड्यूटी में तैनात 2 पीठासीन अधिकारियों के हार्ट अटैक से मौत हो गई। गोरखपुर के बूथ संख्या 381 में राजा राम और कृपवा बूथ संख्या 213 में विनोद श्रीवास्तव की मौत हो गई। दोनों ही बूथों पर नए पीठासीन अधिकारी तैनात किए गए थे। कांग्रेस विधायक के घेर के बाहर जोरदार धमाका, एक व्यक्ति की मौत। कर्नाटक में राज्य राजेश्वर नगर के कांग्रेस के विधायक के घर के बाहर धमाका हुआ है। बेंगलुरु के वैली कवल में विधायक मुनिरत्ना के घर के बाहर ये धमाका हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। धमाका इतना जोरदार था कि व्यक्ति के चिथड़े उड़ गए। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धमाका मकान के सामने कार पार्किंग स्लॉट में हुआ। पीड़ित की पहचान वेंकटेश के रूप में हुई है, जो मुनिरत्न के घरेलू काम में मदद कर रहा था। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मुनिरत्न नेता के साथ फिल्म निर्माता भी है। पश्चिम बंगाल टीएमसी समर्थकों ने लोगों को वोट देने से रोका। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगा है। राज्य के बसीहाट स्थित पोलिंग बूथ संख्या 189 पर टीएमसी समर्थकों पर आरोप लगा है कि वो लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं। बसीरहाट के भाजपा उम्मीदवार सेनत बासु ने कहा, 100 लोगों को वोट डालने से रोका गया है, हम उन्हें ले जाएंगे और वोट डलवाएंगे।
हरसिमरत कौर ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।